वेलकम टू द बिग बेंच डेली। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पुणे में मेट्रो के दूसरे फेज के दो मेट्रो लाइनों का लोकार्पण किया। उन्होंने मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस फेज का पहला रूट गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल तक है, जबकि इसका दूसरा रूट है फुगेवाड़ी से सिविल कोर्ट तक। करीब 13 किलोमीटर लंबे इस मेट्रो रूट का फायदा रोजाना 2.5 लाख लोग उठा सकेंगे। पीएम मोदी आज मेट्रो के लोकार्पण के अलावा दूसरे विकास कामों के उद्घाटन के लिए पुणे आए हुए थे और यहाँ उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर गवर्नर रमेश बैस, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के अलावा एनसीपी नेता शरद पवार भी मौजूद थे। एनसीपी की फूट के बाद अब ये पहली बार था जब शरद पवार और मोदी ने एक मंच साझा किया हो। शरद पवार के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विपक्षी दलों में गजब की बेचैनी देखी जा रही है। विपक्ष के नेता चाहते थे कि शरद पवार इस कार्यक्रम में शामिल ना हो, वो वहां ना जाएं। वो उन्हें मनाने के लिए उनके घर भी जाना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने उन्हें अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया। अब शरद पवार ने इस इवेंट में पहुंच के पीएम मोदी से अपनी नजदीकियों का सबूत पेश कर दिया है। तो कल शिवसेना के उद्धव गुट और कांग्रेस के नेताओं ने एक बैठक बुलाई है। ये बैठक कई मायनों से अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र विधानमंडल के मॉनसून सेशन के अभी 3 दिन बाकी हैं। ऐसे में कांग्रेस ने विधानसभा में विपक्ष के नेता की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने एक बार फिर विदर्भ के ओबीसी नेता विजय वडेट्टीवार के कंधों पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। खास बात यहां पे यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले विदर्भ से आते हैं, तो वहीं अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए भी विदर्भ का चेहरा ही चुना है। विपक्ष के नेता पद के लिए पृथ्वीराज चव्हाण, यशोमती ठाकुर, संग्राम थोपटे, सुनील केदार के नामों की चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरकार सहमति बनी तो विजय वडेट्टीवार के नाम पर। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में थाने के शाहपुर के पास एक गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 20 लोगों की मौत हो गई और कई इसमें जख्मी भी हुए। जानकारी के मुताबिक मशीन का इस्तेमाल समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के तीसरे चरण के निर्माण में किया जा रहा था। इस काम में रेस्क्यू वर्क NDRF की तरफ से किया जा रहा है। 7 लोगों के अभी भी इस मशीन के नीचे फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। आपको बता देती हूँ, इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवार के लिए सीएम एकनाथ शिंदे ने 5 लाख रुपयों की राहत राशि की घोषणा कर दी है, जबकि घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर किया जा रहा है। जयपुर से मुंबई आ रही ट्रेन में सोमवार को सुबह अपनी राइफल से 4 लोगों की हत्या कर देने वाले RPF कांस्टेबल चेतन सिंह को 7 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। यहां पुलिस चेतन से गहरी पूछताछ कर रही है। इस घटना के पीछे की वजह अभी साफ नहीं हुई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कांस्टेबल है वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब्ड है और वो लगातार पुलिस को अलग अलग बयान दे रहा है। गवाहों के मुताबिक चेतन ने पहले सूरत के कुछ यात्रियों से झगड़ा किया था, बाद में उसकी बहस उसके सीनियर ASI टीकाराम मीना के साथ भी हो गई थी।